हेलो एवरीवन, आज हम गोलगप्पे बनाएंगे बहुत ही करारे और क्रिस्पी। तो आइए हम शुरू करते हैं गोलगप्पे बनाना। आज हम गोलगप्पे बिल्कुल परफेक्ट नाप के साथ बाजार जैसे बनाएंगे क्रिस्पी और करारे। ये हमने कटोरी ली है और उस कटोरी से हमने ये दो कटोरी सूजी ली है। आप कोई भी बर्तन नापने के लिए ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मेजरिंग कप ही लीजिए। और उसी कटोरी से हमने ये दो कप मैदा लिया है। जिस कटोरी से हमने सूजी नापा था उसी कटोरी से हमने मैदा भी नापी है दो कटोरी। और उसी कटोरी से एक कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। आप नाप का बिल्कुल परफेक्ट नाप का ध्यान रखिएगा। और ये बेकिंग सोडा जो है ये हमने एक चौथाई छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है, लगभग दो पिंच होगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, आप नापने के लिए बर्तन कोई सा भी यूज करिए, लेकिन रेशियो यही होना चाहिए कि दो कटोरी सूजी, दो कटोरी मैदा और एक कटोरी हमारा गेहूं का आटा होगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट करिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इसको खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारा ये मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम मार लेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। जैसा हम रोटी वोटी का डो तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें डो तैयार कर लेना है इसका। अब इसको हम पंच से थोड़ा सा पंच मारेंगे, जिससे खूब अच्छे से ये जो सूजी है ना खूब मुलायम सी हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करेंगे, अच्छे से मलहार लेंगे इसको हम। बहुत टाइट हमें नहीं आटा तैयार करना है इसका, थोड़ा सॉफ्ट रखना है क्योंकि सूजी बाद में फूल जाती है तो आटा अपने आप टाइट हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल इतना ही सॉफ्ट हमें आटा रखना है। अब इसको नम कपड़े से ढक के आधा घंटे के लिए रख देते हैं। देखिए, हमारे आधा घंटे हो गए हैं और हमारा आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है, सूजी बहुत अच्छे से फूल गई है। अब इसको हम खूब अच्छे से चिकना कर लेते हैं। और इसकी हम थोड़ी बड़ी बड़ी लोइयां तैयार करेंगे और एक ही बार में हम बहुत सारे बताशे बनाएंगे। एक लोई से हम छोटे छोटे नहीं बेल रहे हैं, उसमें टाइम लगता है, तो एक बड़ी सी रोटी जैसा बना लेंगे, उससे फिर हम बताशे बनाएंगे। और ऐसे ही हम सारी लोइयां तैयार कर लेते हैं। अब इन लोइयों को हम नम कपड़े से ढक के साइड में रख देते हैं और एक ट्रे तैयार करेंगे जिसके ऊपर हमें बताशे रखने हैं, उसके ऊपर भी नम कपड़ा बिछा लेंगे। और एक लोई लेंगे और उसको हम रोटी जैसा बेल लेंगे, थोड़ा बड़ा बेलेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा मैंने लगाया हुआ है, अगर जरूरत पड़ेगी तो लगाइए, वरना अगर जरूरत नहीं पड़ती तो सूखा आटा मत लगाइए। और इसको हम ऐसे ही थोड़ा बड़ा सा रोटी जैसा बेल लेते हैं। इसको बहुत ना ज्यादा हमें मोटा बेलना है और बहुत ज्यादा ना ही पतला बेलना है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमें कितना पतला इसको रखना है। देखिए, हमें इतना ही पतला बेलना है। अब कोई भी डिब्बी का ढक्कन है या छोटी कटोरी वटोरी है उससे हम इसको काट लेंगे, या आपके पास कटर है तो उससे काट लीजिए। और रख के हम ऐसे गोल गोल बताशे काट लेंगे, इससे हमारे बिल्कुल एक जैसे साइज के बताशे बनेंगे, बिल्कुल गोल परफेक्ट बताशे बन के तैयार होंगे। और एक बार में देखिए 10-12 बताशे आराम से बन जाते हैं। अब इसके जो एजेस है वो हम निकाल लेंगे और इसको फेंकेंगे नहीं, इसको दूसरी लोई में हम ऐड करके फिर से बताशा इसका बेल लेंगे। और इन बताशों को हम जो हमने ट्रे के ऊपर नम कपड़ा रख के बनाया हुआ था ना, उसके ऊपर हम नम कपड़े के ऊपर ये बताशों को ऐसे सारे सेट कर देते हैं, लगा देते हैं। बिल्कुल पास पास रखेंगे क्योंकि बहुत सारे बताशे बनने हैं, तो बिल्कुल लाइन से लगाते हुए हम इनको गीले हुए कपड़े पे रख देंगे।
ऐसे ही हम सारे बताशे लगा देते हैं इसके ऊपर पहले। हमने सारे गोलगप्पे लगा दिए हैं, अब इसको नम कपड़े से हम ढक के रख देते हैं और दूसरा फिर बेलते हैं। दोस्तों देखिए, हमने सारे गोलगप्पे बेल लिए हैं, अब इनको नम कपड़े से ढक कर हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देते हैं। दोस्तों हमारे 1.5 घंटे हो गए और इसको पंखे में बिल्कुल भी नहीं रखना है, हवा नहीं लगनी चाहिए। देखिए हमारे गोलगप्पे बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गए हैं, अब इसको हम फ्राई करेंगे। अब हमारा ऑयल गरम हो गया है और एक गोलगप्पे को उठाएंगे और बिल्कुल सीधा ही हमें डालना है, जिस जो नीचे वाला साइड है वो हमें नीचे ही रखना है। जैसे ये ऊपर आएगा इसको हम पलट देंगे और फिर हम दूसरा भी डालेंगे और एक एक करके हम डालेंगे। देखिए अपने आप ये गोलगप्पे कितने अच्छे से फूल रहे हैं, बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार आपको पलटना है, जैसे ही ये ऊपर आए वैसे ही हमें इसको पलट देना है, तो ये अपने आप फूल जाएगा। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत अच्छे फूले फूले हमारे गोलगप्पे बनके तैयार होंगे। दोस्तों हमारे यहाँ इसको बताशा भी बोलते हैं, बहुत जगह गोलगप्पे बोलते हैं, बहुत जगह पुचका बोलते हैं। आप क्या है, इसको क्या बोला जाता है, ये कमेंट करके आप मुझको बताइए। और ऐसे ही हम सारे डालेंगे धीरे धीरे, जितनी भी स्पेस होगी उतना हम गोलगप्पे डाल के इसको फ्राई करते हैं। दोस्तों हमें गोलगप्पे हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करने हैं, अगर बहुत सिम आंच रहेगी ना तो फिर वो फूलेंगे नहीं। अब देखिए हमारे एक तरफ से सिक गए हैं और इनको हम पलट लेंगे। देखिए कितना परफेक्ट, कितना प्यारा सा कलर आया है, बहुत ही अच्छे हमारे गोलगप्पे बनके तैयार हो रहे हैं। और ऐसे ही हम सारे गोलगप्पे पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। देखिए हमारे गोलगप्पे दूसरी तरफ से भी अच्छे से लाल हो गए हैं, अब इनको हम एक जाली में निकाल लेते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, कितने फूले फूले हमारे गोलगप्पे बनके तैयार हुए हैं। ऐसे ही हम सारे गोलगप्पे फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों हमारे सारे गोलगप्पे तैयार हो गए हैं, देखिए कितने क्रिस्पी हमारे गोलगप्पे बनके तैयार हुए हैं, फूले फूले। दोस्तों इस फूले फूले गोलगप्पे को आप मटर और पानी के साथ, दही चटनी के साथ घर में एंजॉय करिए, बहुत ही टेस्टी हमारे गोलगप्पे बनके तैयार हुए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट करिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों आप मुझको अदर प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से देख सकते हैं। दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।